वंशज, अरे वंशज नीचे आओ, छत से गिर जाओगे। नहीं, मैं यही खेलूंगा, यही खेलूंगा। मैंने कहा ना तुम गिर जाओगे, वापस आओ। मैं रोज यही खेलता हूँ, यही खेलूंगा। तुम कितने जिद करते हो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, मैंने कहा नीचे आओ, तुम गिर जाओगे। मैं यही खेलूंगा, मैं यही खेलूंगा। लगता है तुम्हें फिर से एक कहानी सुनवानी पड़ेगी। कहानी? हाँ वो तो मैं सुन लूंगा। नीचे तो आओ। आ जाता हूँ। लो आ गया। तो सुनी कहानी? हाँ हो जाए कहानी। मिनी है छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसे सब बहुत प्यार करते हैं, पर उसकी एक बात सबको बुरी लगती है। वो ये कि वो जिद बहुत करती है। माँ और मिनी आज बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। माँ के मना करने पर भी मिनी ने नई फ्रॉक पहनी। अब माँ क्या करती, माँ ले गई उसे बाजार। मिन्नी बहुत खुश थी क्योंकि वो बाजार गई थी अपने लिए स्कूल जाने के लिए कपड़े, कॉपी, किताबें और बस्ता खरीदने। अभी मिन्नी और उसकी माँ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि बारिश होने लगी, और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मिन्नी और उसकी माँ बारिश में भीग गए। मिन्नी जोर जोर से रोने लगी। माँ, 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 देखो ना मेरी फ्रॉक, मेरी नई फ्रॉक बारिश में भीग गई। माँ ने समझाया, कोई बात नहीं, मैंने तो बेटा तुम्हें बताया ही था कि नई फ्रॉक मत पहनो। अब तुम फ्रॉक पहनकर आ ही गई हो तो कोई बात नहीं, जैसे ही बारिश रुकेगी तुम्हारी फ्रॉक हवा से सूख जाएगी। पर मिन्नी तो मिन्नी ठहरी, कभी किसी की कहां सुनती है। बस रोती ही जा रही थी, रोती ही जा रही थी। माँ समझाते समझाते मिन्नी को घर ले आई, ये कहकर कि जब बारिश रुक जाएगी तो फिर बाजार जाएंगे तुम्हारे लिए नया सामान खरीदने। बारिश रुकी, शाम हुई, मिन्नी चल पड़ी माँ के साथ बाजार की ओर। माँ ने मिन्नी को बहुत सारी चीजें दिलवाई, जिनमें से कुछ उसकी पसंद की थी और कुछ उसकी पसंद की नहीं थी, पर एक चीज जो उसे बहुत पसंद आई थी वो था स्कूल का बस्ता। माँ ने बहुत समझाया, मिन्नी ये बस्ता मत लो, ये अच्छा नहीं है बेटा, ये जल्दी खराब हो जाएगा। मिन्नी बोली, नहीं माँ, मुझे तो यही बस्ता पसंद है, आपने ही तो कहा था कि मैं जो कहूंगी वही दिलवाओगी। मिन्नी बोली, नहीं नहीं मुझे तो यही बस्ता पसंद है, आपने ही तो कहा था कि मैं जो कहूंगी वही दिलवाओगी। हाँ बेटा, पर कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। आपने तो कहा था जो मैं कहूंगी वो आप दिलवाओगी। अब मिन्नी की जिद के आगे माँ हार गई। ठीक है मिन्नी, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना मैं तुम्हें नया बस्ता नहीं दिलाऊंगी अगर ये बस्ता खराब निकला तो। हाँ हाँ माँ, हाँ ठीक है माँ, ठीक है, मत दिलवाना। मिन्नी
नया सामान लेकर घर को लौटी, बार बार अपने सामान को देखती पहनती। देखो दादाजी, मैं कैसी लग रही हूँ। देखो मैं ना नया बस्ता भी लाई हूँ। देखो ये कितनी प्यारी चीज है। चाची चाची तुम भी देखो ना, इधर आ, देखो देखो ये मेरा नया बस्ता। यहाँ मैं अपनी कापी रखूंगी, यहाँ ऊपर किताबें, और यहाँ पेन आ जाएगा। मैं अपना पेन रखूंगी, कलम रखूंगी, और पेंसिल रखूंगी, रबड़ रखूंगी। अच्छा है ना। मिन्नी की खुशी देखकर सब खुश हो जाते और मिन्नी को प्यार करते। सुबह हुई, मिन्नी के स्कूल जाने का समय हुआ, और साथ ही मिन्नी के चेहरे पर खुशी दिखने लगी कि आज नया बस्ता, नई किताबें और नए कपड़े हैं उसके पास स्कूल जाने के लिए। मिन्नी निकल पड़ी स्कूल की ओर। रास्ते में उसकी सहेलियां मिली, उसने सबको अपना सामान दिखाया और सबने उसके सामान की तारीफ भी की। तो मिन्नी बोली, कल ही मेरी माँ मुझे बस्ता, कॉपी, स्कूल के कपड़े दिलवा कर लाई है। देखो 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 देखो, हाथ मत लगाओ, हाँ नहीं तो ये गंदे हो जाएंगे। ठीक है मिन्नी, ठीक है, हम भी जब नई चीजें लाएंगे ना तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तभी मिन्नी की एक सहेली बोली, अरे मिन्नी चलो दूसरे रास्ते से स्कूल चलते हैं, आगे देखो बहुत कीचड़ है, कल रात बहुत बारिश हुई है ना। नहीं मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी। मिन्नी मैं बता रही हूँ आगे कीचड़ है, गिर जाओगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं नहीं मैंने कह दिया ना, मैं इसी रास्ते से जाऊंगी, इसी रास्ते से जाऊंगी, इसी रास्ते से जाऊंगी। जैसे ही मिन्नी आगे बढ़ी, अरे ये क्या हुआ, मिन्नी का पैर फिसला और ये मिन्नी धड़ाम से गिर गई कीचड़ में। मिन्नी जोर जोर से रोने लगी। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, मेरा बस्ता भी गंदा हो गया। मिन्नी की सहेली उसकी मदद के लिए भागी, उसे उठाया, उसके कपड़े साफ किए, और देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे उसका बस्ता फट गया। मिन्नी और जोर जोर से रोने लगी। मिन्नी अब और जोर जोर से रोने लगी। देखो मिन्नी, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, हमने तुम्हें समझाया था ना कि इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ कीचड़ है, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। हमें दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए और समझना चाहिए। बात ना सुनने पर, ना मानने पर हमेशा हमारा ही नुकसान होता है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद सबकी बात मानूंगी। अब तुमने कहानी सुन ली ना, जाओ जाओ ऊपर जाओ, खेलो जाके छत पे। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमेशा दूसरों की बात मानूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। मैं नहीं चाहता जैसे मिन्नी गिरी थी ना कीचड़ में, मैं भी गिर जाऊं छत से। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे हो गए हो। अच्छा तो अब ये बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? हमें हमेशा दूसरों की बात माननी चाहिए, सुनना चाहिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं। तो फिर इस कहानी का क्या नाम रखें? तो इस कहानी का नाम रखते हैं मिन्नी की मनमानी। तो आज से हम वादा करते हैं
कि दूसरों की बात जरूर मानेंगे। आप भी वादा कीजिए कि आप बड़ों की बात जरूर मानेंगे। अब हम चलते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे उमंग बाल पत्रिका का ये अंश। कलाकार ध्वनियांकन बटिलांग लिंदो, आलेख वाचन निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन गीतिका उनियाल, प्रस्तुति CIET NCERT।